क्यों आज इस देश में सुबह से शाम हर जगह यही चर्चा होती है हिंदू मुसलमान की? अंग्रेजी में इसको हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर कहते हैं। एक सर कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा। दिस इज एन ऑल अराउंड फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट ओवर द लास्ट 8 इयर्स। न केवल विदेशी मुल्कों ने जो कहा उसके बाद उस पर आधारित चर्चा होने जवाब होगा, लेकिन क्या नफरत और विकास एक साथ चल सकते हैं? जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 साल में बनाया, जहां चुनाव हार गए वहां भी सरकार बनाने क्यों आजादी के 75 साल बाद ये पहला मौका है कि भारत को, हमारे मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। पहला मौका है कि कई ममालिक ने जो है हमारे सफीरों को तलब किया और एक डिमार्श जो है उन्हें दिया, हाथ में थमा दिया, एक नोट थमा दिया है, जो एहानत रसूल का वाक़या जो पेश आया था। लेकिन यहाँ पर जो भी अपोजिशन पार्टियाँ हैं, जो लोग इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग पार्टी की जो तर्जुमान है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, हुकूमत ने उस वक्त तो कोई कार्रवाई नहीं की, हुक्मरान जमात ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब बाहर से जब दबाव पड़ा, जब डिप्लोमेटिक काउंसलाट आया, तो उसके बाद कार्रवाई करना शुरू की। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन पवन खेरा साहब है। पवन खेरा साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो देख रहे हैं आप, जिस तरीके सुबकी उठाने पड़ रही है देश को, जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कुछ दिन पहले ही कहा था कि मैं देश का सर झुकने नहीं दूंगा, लेकिन ये जो हुआ है आप इस पर क्या कहेंगे? हम पिछले 8 साल में लगातार प्रधानमंत्री को उनका राजधर्म याद दिलाते आए। हम भी देश के बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार कुछ जो हैं स्वतंत्र, सब बार बार याद दिलाते रहे। प्रधानमंत्री ने ना केवल नज़रअंदाज किया, हमारे जैसे लोगों की आवाज़ें बंद करने की पूरी कोशिश की और एक तोता मीडिया लेकर एक तरह का एक मुहिम छेड़ दी हम जैसे लोगों के खिलाफ कि ये खान मार्केट गैंग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये अवार्ड वापसी गैंग हैं, ये राष्ट्र विरोधी गैंग है। आज खामियाजा उसी मुहिम का आज इनको भुगतना पड़ रहा है कि विदेशों से घुड़की आई और तुरंत एक्शन ले रहे हैं। अब कह रहे हैं फ्रिंज एलिमेंट, ये फ्रिंज कहाँ से हो गए? इनको तो आपने प्रवक्ता बनाया था, यही गुण देख कर तो आपने प्रवक्ता बनाया होगा और आप खुद उन्हीं रास्तों से गुजर कर आए हैं इस मंजिल तक। तो ये जो रोज़ाना का जो माहौल बना हुआ है हमारे देश में, जो हिंदू मुस्लिम धर्मों के खिलाफ एक दूसरे को अगेंस्ट जो है तो लड़ाना, ये करना, ये जो माहौल जो चल रहा है, तो इससे जो है जिस तरीके जो आपने अभी उसका इशारा भी दिया था, इसका जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कुछ और, वो सबके सामने है, कोई छिपे हुए नहीं है ये चेहरे। यह चेहरे बिना मुखौटे के सबके सामने आ चुके हैं। लगातार मोदी जी की अपनी टिप्पणियाँ, कपड़ों से पहचानने, शमशान कब्रिस्तान, ये तमाम टिप्पणियां मोदी जी की हैं, किसी प्रवक्ता की नहीं है। तो हमें मालूम है कि इस पिक्चर का निर्देशक कौन है और निर्माता कौन है। अच्छा, ये जो एम्बेसी जिस तरह से बिहेव कर रही है, जिस तरह चाइना की जो रूलिंग पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके जो मेंबर होते हैं वो भी डिप्लोमेट होते हैं, वो एक पार्टी मेंबर के हैसियत से भी बात करते हैं, तो हमारे जो डिप्लोमेट है, हमारी कंट्री के जो डिप्लोमेट है, दे आर बिहेविंग लाइक ए पार्टी मेंबर, क्या कहेंगे? दूतावास प्रेस विज्ञप्ति भारतीय जनता पार्टी की बांटे, यह इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो एक तरह से इन्होंने दूतावासों को भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बना लिया है। ये जो कुछ भी कार्रवाई की, एक्सपेल किया, एक को सस्पेंड किया, एक को एक्सपेल किया, कहाँ तक आप इससे जो तो सेटिस्फाई हैं, क्या होना चाहिए? फिल्म के निर्माता निर्देशक सामने आए, माफ़ी मांगे देश से, देश का सर झुकाया है, देशवासी माफ़ी की उम्मीद करते हैं। और आप आरएसएस के बारे में भी कह रहे थे, कुछ कह रहे थे उसके बारे में? निर्माता निर्देशक में यह सब आते हैं। बिना रजिस्टर किए हुए एक संस्था चल रही है, गैर कानूनी संस्था है एक तरह से, वो कैसे आप बिना रजिस्ट्रेशन के चले जा रहे हैं और उसके बाद जहर घोलते हैं, फिर आकर अच्छे अच्छे भाषण देते हैं कि अब जहर नहीं घुलना चाहिए, घुलने वाले आप ही हैं।